बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बायोलॉजी शार्ट क्वेश्चन सीरीज चैप्टर 6 में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 में से स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक टॉपिक वाइज देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं। पहला टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। इसका पहला शार्ट क्वेश्चन देखिए जो लाहौर बोर्ड 2015 में भी आ चुका है। नेम थ्री जनरल शेप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड एक्सप्लेन एनी वन। सो ऑन द बेसिस ऑफ जनरल शेप बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड एज अंडर। नंबर वन कोकाय, नंबर टू बैसिलाय, नंबर थ्री स्पाइरल। ये तीन शेप्स आपको अच्छे तरीके से याद रहनी चाहिए। बैक्टीरिया शेप के एतबार से तीन तरह के हैं। कोकाय सिंगुलर कोकस, बैसिलाय सिंगुलर बैसिलस, स्पाइरल प्लूरल स्पाइरलाय। इनकी शेप्स देखिए। अगर तो बैक्टीरिया राउंड शेप्ड है तो इन्हें कोकस कहेंगे। अगर वो रॉड शेप्ड है, थोड़े से लंबे हैं, तो फिर उन्हें बैसिलस कहेंगे। और अगर वो स्प्रिंग नुमा है, टेढ़े मेढ़े से हैं, तो फिर उन्हें स्पाइरल कहेंगे। तो ये तीन शेप्स हैं बैक्टीरिया की। उन्होंने कहा एक्सप्लेन एनी वन, लेकिन हम तीनों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि किसी भी एंगल से क्वेश्चन आए तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सके। तो सबसे पहले बेटे हम देखते हैं कोकाय की फर्दर कैटेगरीज क्या है। ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि कोकस अगर सिंगल होगा तो उसे कोकस कहेंगे। अगर इसमें एक प्लेन में डिवीजन होती है तो इस डिवीजन के नतीजे में ये जो दो बैक्टीरिया बन जाएंगे इनको कहेंगे डिप्लो कोकाय। क्या कहेंगे? डिप्लो कोकाय। क्लियर? अगर ये डिवीजन कंटिन्यू रहती है तो इस डिवीजन के नतीजे में ये एक पूरी चेन बन जाएगी और इस चेन को कहेंगे स्ट्रिप्टो कोकाय। क्लियर? ये तो था अगर डिवीजन एक ही प्लेन में हो। बेटे अगर डिवीजन दो प्लेन में हो तो उसके नतीजे में चार सेल बनेंगे जिन्हें टेट्रॉड कहेंगे। क्या कहेंगे? टेट्रॉड। टेट्रा चार को कहते हैं। तो टेट्राड कब बनेंगे? जब डिवीजन दो प्लेन्स में होगी। ठीक है, अगर डिवीजन थ्री प्लेन्स में होती है तो उसके नतीजे में आठ सेल्स बनेंगे और उन आठ सेल्स को सार्कीना बोलेंगे। तो ये टेट्राड और सार्कीना का फर्क अच्छे तरीके से जहन में रख लें। और अगर डिवीजन रैंडम होती है, इररेगुलर होती है, तो उसके नतीजे में जो स्ट्रक्चर बनती है उसे स्टेफिलो कोकाय बोलते हैं। क्लियर? तो ये कोकाय की फर्दर डिफरेंट शेप्स आपको अच्छे तरीके से जेहन में रहनी चाहिए। क्लियर मेरे बेटे? उसके बाद हम आगे देखते हैं जी बैसिलस। अब बैसिलस और कोकस में फर्क ये है कि कोकस के अंदर डिवीजन एक से ज्यादा प्लेन्स में होती है, जैसे कि साकीना और टेट्राड के केस में हुआ, जबकि बैसिलस में डिवीजन एक ही प्लेन में होती है। चूंकि डिवीजन एक ही प्लेन में होती है तो इसके नतीजे में सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट शेप्स बनती हैं, डिप्लो बैसिलाय और स्ट्रिप्टो बैसिलाय। यानी अगर दो बैसिलाय हैं तो डिप्लो बैसिलाय, अगर एक पूरी चेन है तो स्ट्रिप्टो बैसिलाय। एक और केस है जिसमें बैक्टेरियम नामुकम्मल कोकस होता है और ना मुकम्मल बैसिलस होता है, यानी ना वो राउंड होगा ना वो मुकम्मल रॉड शेप्ड होगा, वो थोड़ा सा एलिप्टिकल होगा, बेजवी शेप का होगा, तो उसको कोको बैसिलस कहेंगे। क्या कहेंगे? कोको बैसिलस। ये अच्छे तरीके से ज़हन में रख लो। क्लियर मेरे बेटे? तो आपको कोकाय और बैसिलस के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया है। तो आगे हम देखते हैं जी स्पाइरल। स्पाइरल शेप जो होते हैं ये थोड़ा सा स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं, यानी स्प्रिंग नुमा होते हैं। ये आपको डायग्राम में नजर भी आ रहा है। इनकी फर्दर तीन टाइप्स हैं। विब्रियो, ये कॉमा शेप्ड होते हैं, थोड़े से कर्व्ड होते हैं, ये आपको नजर आ रहा है। उसके अलावा जो दूसरी शेप है वो है स्पाइरल, स्पाइरेलम। ये स्प्रिंग नुमा होते हैं, थिक होते हैं और रिजिड होते हैं। इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, रिजिडिटी होती है, सख्ती होती है और ये ठीक होते हैं। ये आपको नजर आ रहा है डायग्राम में। इसी तरीके से तीसरी फॉर्म है स्पाइरोचीट। ये स्पाइरिलम की निस्बत थिन होते हैं। ये देखो आपको नजर आ रहा है, ये स्पाइरिलम की निस्बत
थिन है और फ्लेक्सिबल है, इनके अंदर थोड़ी लचक होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो स्पाइरल की कितनी टाइप्स हैं? तीन। अगर तो वो कर्व्ड और कॉमा शेप्ड है तो उसे विब्रियो कहेंगे, अगर वो थिक और रिजिड है तो उसे स्पाइरेलम कहेंगे, अगर वो थिन और फ्लेक्सिबल है तो उसे स्पायरोचीट कहेंगे। तो इस स्लाइड को मेरे बेटे आपने बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है। इसके अंदर काफी सारे एमसीक्यूज भी इंक्लूडेड है, इसके अंदर एक से ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है। वो टेट्राड और सौकीना के बारे में भी पूछ सकता है, वो सिर्फ कोकस और उसकी फर्दर टाइप्स के बारे में पूछ सकता है, वो बैसिलस और कोकस में डिफरेंस पूछ सकता है, वो स्पाइरल उसके डिफरेंट फॉर्म्स पूछ सकता है। तो आपको एक एक चीज अच्छे तरीके से जहन में होनी चाहिए। क्लियर मेरे बेटे? अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट ह्यूज बैक्टीरियम? आजाद जम्मू कश्मीर बोर्ड 2015 में आया है। बेटे रिसेंटली स्टर्जन फिश के इंटेस्टाइन के अंदर एक बड़ा सा बैक्टीरियम डिस्कवर हुआ और इस बैक्टीरियम का साइंटिफिक नाम है पोलोपिशियम फिशरसोनी। इसका साइंटिफिक नेम अच्छे तरीके से याद कर लें, एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है और अगर शॉर्ट आए तो आपने ये नाम हर सूरत लिखना है। तो ये किसके अंदर डिस्कवर हुआ, ये भी एक एमसीक्यूज है। ये ब्राउन स्टर्जन फिश के अंदर डिस्कवर हुआ, लेकिन बाज़ुकात वो ब्राउन स्टर्जन फिश नहीं देता बल्कि इसका साइंटिफिक नेम दे देता है, एकंथ्रस निग्रोफस्कस। तो आपका ये साइंटिफिक नेम दोनों याद होने चाहिए, एक स्टर्जन फिश का भी साइंटिफिक नाम याद होना चाहिए और ह्यूज बैक्टेरियम का भी साइंटिफिक नेम याद होना चाहिए। क्लियर मेरे बेटे? उसके अलावा हम देखते हैं इसकी डायमीटर और लंबाई कितनी है। इट ग्रोज एज लार्ज 600 माइक्रोमीटर बाय 80 माइक्रोमीटर, ये आपने फिगर याद रखना है। और ये इसका साइज जो प्रिंटेड हाइफन है उससे थोड़ा सा छोटा होता है। क्योंकि ये बहुत बड़ा बैक्टीरियम है तो इससे साबित हुआ कि कुछ बैक्टीरियम एवरेज यूकैरियोटिक सेल से साइज में बड़े होते हैं। यानी यूकैरियोटिक सेल का अगर एवरेज साइज लिया जाए तो कुछ बैक्टीरियम ऐसे हैं, बैक्टीरियम क्योंकि प्रोकैरियोट होता है तो कुछ प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे हैं जो एवरेज यूकैरियोटिक सेल से बड़े हैं। क्लियर मेरे बेटे? तो ये इसके चार पॉइंट्स याद कर लें, अगर शॉर्ट आए तो आपने यही चारों पॉइंट्स लिखने हैं। अगला क्वेश्चन मेरे बेटे देखिए, लाहौर बोर्ड 2015 में आया है। व्हाट आर पिलाए गिव देयर फंक्शंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और उतना ही आसान है। ये आपको डायग्राम नजर आ रही है, इसमें एक आपको अपेंडेज नजर आ रहा है फ्लैजिलम, ये इसके एंड पर है, एक विप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे फ्लैजिलम कहते हैं। इस फ्लैजिलम के अलावा बैक्टीरियम के सरफस पर कुछ और भी अपेंडेजेस होते हैं जो फ्लैजेला से छोटे होते हैं, नॉन हेलिकल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, इनको पिलाए बोलते हैं। क्लियर मेरे बेटे? पिलाए क्या है? पिलाए आर हॉलो नॉन हेलिकल फिलामेंटस अपेंडेजेस। तो पिलाए के ये तीन करेक्टर्स याद रखने, ये हॉलो होते हैं, नॉन हेलिकल होते हैं और फिलामेंटस होते हैं। क्लियर मेरे बेटे? उसके अलावा ये भी याद रहे कि पिलाए फ्लैजेलम से छोटे होते हैं और उसके अलावा ये स्पेशल प्रोटीन से मिलकर बनते हैं जिन्हें पेलन बोलते हैं। जिस तरीके से फ्लैजेलम फ्लैजेलिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, इसी तरीके से पिलाए पेलन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। उसके बाद ये भी जेन में रहे कि जो ट्रू पिलाए हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि ट्रू प्लाय कौन से बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, तो आपको जहन में रहना चाहिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। उसके बाद इनके फंक्शंस देखिए, पिलाए बेसिकली मेटिंग प्रोसेस यानी कंजुगेशन में इन्वॉल्व होते हैं। कंजुगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो बैक्टीरिया मेट करते हैं, आपस में मिलते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। तो उन दो बैक्टीरिया का आपस में मेट करने के दौरान, एक दूसरे के साथ मिलने के दौरान, अटैच होने के दौरान पिलाए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर मेरे बेटे? उसके अलावा ये अटैचमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, यानी जब किसी सरफेस पर बैक्टीरिया ने अटैच होना है तो ये मीन्स ऑफ अटैचमेंट के तौर पे भी काम करते हैं। उसके अलावा याद रहे फ्लैजेलम की तरह पिलाए मोटिलिटी में इन्वॉल्व नहीं होते। तो ये पॉइंट्स आपने अच्छे तरीके से याद रख लेने, अगर ये आपने इसी तरीके से सारे पॉइंट्स लिखे
तो आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे, कहीं से भी आपका नंबर कटेगा नहीं। और इसके अंदर जो एमसीक्यूज छुपे हुए हैं, किस किस प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, कौन से बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, उसके अलावा ये इनके फंक्शंस क्या हैं, कंजुगेशन में इन्वॉल्व होते हैं, मीन्स ऑफ अटैचमेंट के तौर पे काम करते हैं, मोटिलिटी में इन्वॉल्व नहीं होते। क्लियर मेरे बेटे? अगला अगला शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। भावलपुर बोर्ड 2015 में पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन स्लाइम एंड कैप्सूल। याद रहे, ये अलग अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन है, वो सिर्फ कैप्सूल भी पूछ सकता है, वो सिर्फ स्लाइम भी पूछ सकता है। बेटे कुछ बैक्टीरिया में सेल वॉल के गिर्द एक कवरिंग होती है जिसे कैप्सूल बोलते हैं, यानी कुछ बैक्टीरिया प्रोड्यूस कैप्सूल विच इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड यूनिट्स एंड ऑफ प्रोटीन आर ऑफ बोथ, यानी ये कैप्सूल या पॉलीसेकेराइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होगा, या प्रोटीन से मिलकर बना होगा, या दोनों से मिलकर बना होगा। तो इससे आप पता चल गया कि आपने एक एमसीक्यूज भी कर लिया कि कैप्सूल की केमिकल कंपोजिशन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, या बोथ है? बोथ है। क्लियर मेरे बेटे? उसके अलावा कैप्सूल सेल के साथ टाइटली बाउंड होता है और ये सेल को स्टिकी नेचर प्रोवाइड करता है, यानी जब सेल्स कॉलोनीज बना के रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, तो उनको इकट्ठा रहने में, आपस में चिपके रहने में, स्टिक किए रखने में कैप्सूल का इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये कैप्सूल का इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको याद रहना चाहिए। कैप्सूल हैज अ थिकर गमी नेचर डेट गिव स्टिकी करेक्टर्स टू कॉलोनीज ऑफ एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। क्लियर मेरे बेटे? उसके बाद स्लाइम देखिए। सम बैक्टीरिया आर कवर्ड विद लूज सॉल्युबल शील्ड ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। दिस लूज सॉल्युबल शील्ड ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल इज नोन एज स्लाइम कैप्सूल। सबको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए एक स्लाइम कैप्सूल क्या है। इट इज लूज सॉल्युबल शील्ड ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्या, कि ये बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी में इजाफा करता है। अब पैथोजेनिसिटी क्या है? बैक्टीरिया के इन्फेक्ट करने की सलाहियत को पैथोजेनिसिटी कहते हैं, और स्लाइम बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी में इजाफा करता है। कैसे? मसलन जब बैक्टीरिया किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर होता है, तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो इम्यून सिस्टम है, उसके जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, वो इसको फेगोसिटाइज कर देते हैं बैक्टीरिया को, जिसके नतीजे में बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। स्लाइम क्या करता है, उन बैक्टीरिया को फेगोसिटाइज होने से बचाता है। इट प्रोटेक्ट्स बैक्टीरिया अगेंस्ट फेगोसाइटोसिस। क्लियर मेरे बेटे? तो ये अच्छे तरीके से इनके फंक्शन जहन में रख ले। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो कितनी मर्तबा बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। व्हाट इज प्लाज्मिड गिव इट्स फंक्शंस? बेटे बैक्टीरिया के अंदर क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा, ये जो डीएनए आपको नजर आ रहा है बैक्टीरिया के अंदर, ये क्रोमोसोमल डीएनए। इस क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी बैक्टीरियम के अंदर मौजूद होता है। उस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को प्लाज्मिड बोलते हैं। ये आपको डायग्राम में क्लियरली नजर आ रहा है कि क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा कुछ एक्स्ट्रा डीएनए भी प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें प्लाज्मिड्स कहते हैं। क्लियर? तो ये तो पता चल गया कि प्लाज्मिड है क्या। अब हम इसके फंक्शन देखते हैं। दे आर नॉट एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, यानी इसका बैक्टीरिया की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो रोल क्रोमोसोमल डीएनए प्ले करता है। उसके अलावा फिर इसका क्या फंक्शन क्या है? दे आर इंपॉर्टेंट वेक्टर्स इन मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जब एक पर्टिकुलर जीन किसी भी एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर एंटर करना होता है, तो उसको कैरी करने के लिए जो मॉलिक्यूल कैरियर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, वो ये प्लाज्मिड है। यानी प्लाज्मिड को कैरियर और वेक्टर के तौर पे बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है। ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ज़हन में रख लो। उसके अलावा इस प्लाज्मिड के अंदर कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कि ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं, हैवी मेटल डिजीज और इंसेक्ट रेजिस्टेंट होते हैं। क्लियर
क्लियर है? तो ये देखने बैक्टीरिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी ड्रग दी जाए बैक्टीरिया को, या स्प्रे किया जाए, या कुछ केमिकल्स दिया जाए, तो प्लाज्मिड के पास कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो उन केमिकल्स, उन सब्सटेंसेस के अगेंस्ट रेजिस्ट करते हैं, उनका असर बैक्टीरिया पे नहीं होने देते। तो ये प्लाज्मिड के 5 पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो कि खुद रेप्लिकेट हो सकता है, बैक्टीरियल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए एसेंशियल नहीं होते, ये वेक्टर के तौर पे काम करते हैं, और इसके पास कुछ इंपॉर्टेंट जीन्स होते हैं जो ड्रग रेजिस्टेंट भी होते हैं, हैवी मेटल्स डिजीज और इंसेक्ट रेजिस्टेंट भी होते हैं। क्लियर मेरे बेटे? उसके बाद ये भी देखे कितनी मरतबा बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, व्हाट आर मीजोसोम्स, राइट देयर रोल। 8 मरतबा बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है मीजोसोम्स। बेटे जो बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की जानब इनवेजिनेट होकर कुछ स्ट्रक्चर्स बनाती है जिन्हें मीजोसोम्स कहते हैं। ये देखें, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहां से इनवेजिनेट होकर ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बना रही है, और इन स्ट्रक्चर्स को मीजोसोम्स बोलते हैं। क्लियर मेरे बेटे? ये जो स्ट्रक्चर्स बन रही हैं, ये या वेसिकल लाइक होती हैं, या ये छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स होती हैं, या ये लैमला लाइक होती हैं। तो मीजोसोम्स की ये 3 शेप्स हो सकती हैं, इनको जहन में रखें। अब इन मीजोसोम का काम क्या है? मीजोसोम्स डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होती हैं। वो पूछ सकते हैं विच स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन, मीजोसोम्स। क्लियर? उसके अलावा ये सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होती है, उसके अलावा इसके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, उसके अलावा ये कुछ एंजाइम्स को बाहर एक्सपोर्ट करने में भी इन्वॉल्व होती है। तो ये 4 फंक्शंस अच्छे तरीके से ज़हन में रख लो। मीजोसोम्स डीएनए रेप्लिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके अलावा सेल डिवीजन में, उसके अलावा एंजाइम्स की एक्सपोर्ट में, और उसके अलावा इसके पास रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, यानी ये रेस्पिरेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर मेरे बेटे? ये 4 फंक्शन अच्छे तरीके से ज़हन में रख लें। आगे देखिए जी, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कई एक मरतबा लांग में भी आ चुका है, तो ये डिफरेंस अच्छे तरीके से ज़हन में रख लो। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इनके आगे जो सेल वाल में डिफरेंसेस हैं वो भी अच्छे तरीके से ध्यान में रख लो। आपकी किताब में एक टेबल दिया गया होगा, वो भी बहुत अच्छे तरीके से आपने देखना है। तो हम देखते हैं जी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दे आर स्टेन्ड पर्पल, पहला एमसीक्यू जी। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दे आर स्टेन्ड पर्पल, वाइल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दे आर स्टेन्ड पिंक। ये इनके कलर याद रख लो बहुत अच्छे तरीके से, पर्पल ग्राम पॉजिटिव और पिंक ग्राम नेगेटिव। आगे देखें जी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल की मेजर लेयर्स होती हैं वो सिर्फ एक होते हैं, यानी एक बात ज़हन में रख लो, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो मेजर डिफरेंस है वो सेल वॉल का है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो सेल वॉल की हो रही है। नंबर ऑफ मेजर लेयर इज 1, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर नंबर ऑफ मेजर लेयर 2। ये दूसरा फर्क। तीसरा फर्क मेरे बेटे ज़हन में रखो, पेरीप्लाज्मिक स्पेस इज प्रेजेंट इन सम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, यानी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस प्रेजेंट होती है उसे पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सब में होती है। उसके बाद ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया परमिएबल होते हैं, यानी उनकी जो सेल वॉल है वो परमिएबल होती है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लेस परमिएबल होते हैं। ये तीसरा, चौथा फर्क ज़हन में रख लो। पांचवा फर्क ये है कि इनकी जो सेल वॉल है वो 20 to 80 नैनोमीटर थिक होती है। कितनी होती है? 20 to 80 नैनोमीटर थिक, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो 8 to 11 नैनोमीटर थिक होती है। ये बहुत अच्छे तरीके से ज़हन में रख लो बेटे, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की थिकनेस क्या है? 20 to 80 नैनोमीटर, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की थिकनेस क्या है? 8 to 11 नैनोमीटर। क्लियर मेरे बेटे? उसके बाद
इसकी केमिकल कंपोजिशन देखिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन, पेप्टाइडोग्लाइकन जी सबसे ज्यादा 50% ऑफ ड्राइव एड, टाइकोइक एसिड, लिपोटाइकोइक एसिड और लिपिड कितने परसेंट है, 1 to 4%, एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट। उसके बाद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कंपोजिशन देखिए, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन ग्राम पॉजिटिव की निस्बत कम पाई जाती है, जस्ट 10% ऑफ ड्राई वेट। इसके अंदर लिपोप्रोटीन, लिपोपॉलीसेकेराइड्स और लिपिड्स 11 to 12%। वो ये भी पूछ सकता है कि कौन से बैक्टीरिया की सेलवाल में लिपिड ज्यादा पाया जाता है, ग्राम नेगेटिव या ग्राम पॉजिटिव। ग्राम नेगेटिव में कितने परसेंट, 11 to 12%, और ग्राम पॉजिटिव में कितना, 1 to 4%। ये याद रहेगा मेरे बेटे फर्क, इसको बहुत अच्छे तरीके से जहन में नक्श कर ले। आगे देखिए जी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन एंड यूकेरियोटिक सेल मेम्ब्रेन, डीजीकॉम बोर्ड 2016 में। ये बिल्कुल मुख्तसर सा शॉर्ट क्वेश्चन है। इनमें फर्क एक ही इंपॉर्टेंट है कि बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्टीरॉइड्स नहीं होते, यानी कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं होते, जबकि यूकेरियोटिक सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन डिफर फ्रॉम यूकेरियोटिक सेल मेम्ब्रेन इन लैकिंग स्टीरॉइड्स सच एज कोलेस्ट्रॉल। MCQs में भी पूछ सकता है कि which one of the following is not present in bacterial cell membrane, तो आपको इल्म होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल। क्लियर मेरे बेटे? लाहौर बोर्ड 2017, डिफरेंशिएट बिटवीन टेट्राड एंड साकीना। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि टेट्राड जब कोकस के अंदर डिवीजन दो प्लेन में हो तो उसके नतीजे में जो चार कोकाए बनते हैं उस अरेंजमेंट को टेट्राड बोलते हैं, और अगर डिवीजन तीन प्लेन में हो तो उसके नतीजे में जो आठ कोकाए बनते हैं उन्हें साकीना कहते हैं। ये आपको नजर भी आ रहा है और ये आप पहले शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ भी चुके हैं। उसके बाद देखिए मेरे बेटे, लाहौर बोर्ड 2019, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंस। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर भी काफी सारे एमसीक्यूज भी आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। On the basis of presence of flagella, bacteria are classified into following types. ये types बहुत अच्छे तरीके से याद कर लो। ये पांच types हैं। जी, पहला है Atrichus। अगर bacteria के पास कोई flagellum नहीं है, ये आपको नजर आ रहा है, तो इसे कहेंगे Atrichus। A mean nothing, यानी इसके पास flagellum नहीं है। अगर बैक्टीरिया के पास एक फ्लैजेलम है तो उसे कहेंगे मोनोट्राइकस। मोनो मीन एक, ये देखो इस बैक्टीरिया के पास एक फ्लैजेलम है और इसे क्या कहेंगे, मोनोट्राइकस विद सिंगल फ्लैजेलम, और ये पोल पर होता है इसलिए इसको पोलर फ्लैजेलम भी कहा जाता है। और अगर बैक्टीरिया के एक पोल पर एक फ्लैजेलम नहीं बल्कि एक पूरा टफ्ट ऑफ फ्लैजेला है, पूरा गुच्छा है, तो इस कंडीशन को लोफोट्राइकस कहेंगे, यानी ऐसा बैक्टीरिया जिसके एक पोल पर पूरा टफ्ट ऑफ फ्लैजेला है, फ्लैजेला का एक पूरा गुच्छा है, तो उसे लोफोट्राइकस कहेंगे। क्लियर मेरे बेटे? और अगर ये टफ्ट ऑफ फ्लैजेला दोनों पोल पर है, जैसा कि यहां पे आपको नजर आ रहा है, इसके इस पोल पर भी एक टफ्ट ऑफ फ्लैजेला है और इसके इस पोल पर भी टफ्ट ऑफ फ्लैजेला है, अगर दोनों पोल्स पर टफ्ट ऑफ फ्लैजेला है तो इस बैक्टीरियम को एम्फीट्राइकस कहेंगे। क्लियर मेरे बेटे? और अगर बैक्टीरिया की पूरी सरफेस पर फ्लैजेला है तो इनको पेरिट्राइकस कहेंगे। तो फ्लैजेलम की बुनियाद पर बैक्टीरिया की पांच टाइप्स हैं, एट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस और पेरिट्राइकस। ये भी अच्छे तरीके से मेरे बेटे जहन में रख लो। आगे देखिए जी, लाहौर बोर्ड 2017, मुल्तान बोर्ड 2019 में ये क्वेश्चन आया, डिफरेंशिएट बिटवीन लोफोट्राइकस एंड एम्फीट्राइकस। अभी आपने देखा कि लोफोट्राइकस वो जिनमें एक पोल पर टफ्ट ऑफ फ्लैजेला है, और अगर वो दोनों पोल पर टफ्ट ऑफ फ्लैजेला है तो उसे एम्फीट्राइकस कहेंगे। अब हम देखते हैं जी न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। ये लांग में भी आ सकता है पूरी न्यूट्रिशन, और इसके अंदर शार्ट भी डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से शार्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। पहला देखिए जी, डिफरेंशिएट बिटवीन फोटोसिंथेटिक एंड केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो पहले हम देखते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं। बैक्टीरिया जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, जैसे प्लांट्स के अंदर होती है ना, कि वो सनलाइट से एनर्जी लेकर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाते हैं, इस अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और जिन बैक्टीरिया के अंदर ये फोटोसिंथेसिस होती है उन्हें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। यानी प्लांट की तरह दे यूटिलाइज सनलाइट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फूड, के इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक फूड बनाने के लिए एनर्जी कहां से लेते हैं, सनलाइट से, क्योंकि वो सनलाइट से लेते हैं इसलिए इन्हें फोटोसिंथेटिक कहते हैं। अब कीमोसिंथेटिक, ये भी इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं, लेकिन ये एनर्जी किससे लेते हैं, फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये एनर्जी कहां से लेते हैं, सन से। ये एनर्जी कहां से लेते हैं, फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ सम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कि कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज किया, उनसे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक फूड तैयार करते हैं। तो ये पहला फर्क ज़हन में रहेगा, यानी इन दोनों में सोर्स ऑफ एनर्जी का फर्क है। फोटोसिंथेटिक में सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। क्लियर मेरे बेटे? अब फिर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की तरफ आते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं प्लांट्स की तरह, लेकिन प्लांट के अंदर वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं, इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होते हैं। ये फर्क ज़हन में रख लो बेटे। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क है, ये आपको थोड़ी सी इक्वेशन प्लांट की फोटोसिंथेसिस से डिफरेंट लग रही होगी। प्लांट की फोटोसिंथेसिस में यहाँ पे H2O लिखा होता है, ऐसे ही है ना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं, ऐसे ही है। जबकि यहाँ पे वाटर नहीं बल्कि हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो ये फर्क अच्छे तरीके से मेरे बेटे ज़हन में रख लो कि प्लांट की फोटोसिंथेसिस और बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में ये फर्क है। दे यूज हाइड्रोजन सल्फाइड इंस्टेड ऑफ वाटर एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, के सोर्स ऑफ हाइड्रोजन वाटर नहीं बल्कि हाइड्रोजन सल्फाइड है। एमसीक्यूज भी पूछ लिया जाता है कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया सोर्स ऑफ हाइड्रोजन क्या है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का सोर्स ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो ये इक्वेशन अच्छे तरीके से ध्यान में रख लो। उसके बाद एग्जांपल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये एग्जांपल अच्छे तरीके से याद रहे, एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। ओके मेरे बेटे, अब आते हैं जी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया से। पहले बता चुका हूं कि ये एनर्जी कहां से लेते हैं, फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ सम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। क्लियर? और उस एनर्जी से फिर ये ऑर्गेनिक फूड को तैयार करते हैं। इसकी एग्जांपल याद रहे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो ये दोनों की एग्जांपल्स में कंफ्यूज नहीं होना, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की एग्जांपल क्या है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ओके मेरे बेटे, ये बहुत अच्छे तरीके से याद रख लो। नेक्स्ट हम देखते हैं रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया रेस्पायर कैसे करते हैं। ये स्लाइड आपने बहुत अच्छे तरीके से देख ली ना, रेस्पिरेशन में से जो भी क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकोगे। सबसे पहले ये ज़हन में रहे कि रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में या एरोबिकली होती है या एनएरोबिकली होती है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एब्सेंस में। तो अब इस एतबार से बैक्टीरिया की डिफरेंट कैटेगरीज देखिए। एरोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं डेट ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं उनको एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। ये आपको पहले ही तकरीबन एरोबिक बैक्टीरिया का सबको इल्म है, लेकिन इसकी एग्जांपल अच्छे तरीके से ज़हन में रखनी है। वो सिर्फ ये नहीं पूछेगा कि वो एरोबिक है या एनएरोबिक है, वो नाम लिखेगा डिफरेंट बैक्टीरिया के, तो आपने उसमें से सूडो मोनास को सिलेक्ट करना है। एरोबिक बैक्टीरिया की एग्जांपल में किसको सिलेक्ट करना है एमसीक्यूज आ जाए तो सूडोमोनास को। क्लियर? वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करता है उनको एनएरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं, और इसकी एग्जांपल क्या है, स्पायरोचीट। तो ये एग्जांपल्स पे ज्यादा फोकस करना है। एरोबिक और एनएरोबिक का तो आपको पता है, इन एग्जांपल्स को अच्छे तरीके से ध्यान में रखोगे तो आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकोगे।
और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी एग्जांपल्स लिखना जरूरी होता है। उसके बाद एक और कंडीशन, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी और एब्सेंस में भी ग्रो कर सकते हैं, और ऐसे बैक्टीरिया को फैकल्टेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। और इनकी एग्जांपल क्या होगी भला? ई कोलाई, एस्चर्चिया कोलाई। क्लियर बेटे? यानी कुछ बैक्टीरिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में ग्रो कर सकते हैं, और इसकी एग्जांपल क्या है? एस्चर्चिया कोलाई। उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की बहुत थोड़ी सी कंसंट्रेशन दरकार होती है, ऐसे बैक्टीरिया को माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया कहते हैं। ये आपके लिए नई टाइप है, इसको अच्छे तरीके से ज़हन में रख लो, और इसकी एग्जांपल कैंपाइलोबैक्टर। तो ये चारों एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे तरीके से फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। एरोबिक बैक्टीरिया कौन सी एग्जांपल? सुडोमोनास। एनएरोबिक बैक्टीरिया स्पाइरोचीट। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया एस्चर्चिया कोलाई। और माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया कैंपाइलोबैक्टर। ये चारों याद रहेंगी, इनमें से कोई भी एमसीक्यूज या शॉर्ट आए तो आपने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं मेरे बेटे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में। ये टॉपिक, व्हाट इज जनरेशन टाइम, ये अमूमन बच्चे स्किप कर देते हैं, वो चारों फेजेस याद रखते हैं, जनरेशन टाइम की डेफिनेशन भूल जाते हैं। सो एक बैक्टीरिया के पैदा होने से लेकर दोबारा डिवाइड होने तक वो जितना दौरानिया होता है ना, उसको जनरेशन टाइम कहते हैं। द इंटरवल ऑफ टाइम until the completion of next division is known as generation time. ये generation time की definition अच्छे तरीके से याद कर लो। अब हम देखते हैं जी differentiate between lag phase and log phase. ये बड़ा important short question है। lag phase बेटे जब bacteria बनता है तो बनने के बाद कुछ time के लिए वो divide नहीं होता, reproduce नहीं होता, बल्कि वो division के लिए अपने आप को prepare करता है, उस फेज को लैग फेज कहते हैं। सो लैग फेज इज अ फेज ऑफ नो ग्रोथ। क्यों? बिकॉज बैक्टीरिया प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर डिवीजन, वो डिवीजन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, अपने आप को माहौल के मुताबिक ढाल लेते हैं, डिवीजन के लिए जितने नेसेसरी सब्सटेंसेस की जरूरत होती है वो सिंथेसाइज करते हैं, और जब वो डिवीजन के लिए मुकम्मल प्रिपेयर हो जाते हैं फिर उसके बाद लॉग फेज आता है, जिसमें बैक्टीरिया रैपिडली डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, एक्सपोनेंशियल रेट पर ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो ये दोनों फर्क अच्छे तरीके से ज़हन में रख लो। इनके अलावा स्टेशनरी और डेथ फेज भी आ जाता है, तो आपने इस ग्राफ को ज़हन में रखना है ताकि आपको चारों फेजेस अच्छे तरीके से ज़हन में रहे। सबसे पहले लैग फेज, यानी जब बैक्टीरिया बन रहा है तो शुरू में वो रिप्रोड्यूस और डिवाइड नहीं हो रहा, वो सिर्फ डिवीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। ये जो प्रिपरेटरी फेज है इसे लैग फेज बोलते हैं, और जब प्रिपरेशन मुकम्मल हो जाए फिर बैक्टीरिया एक्सपोनेंशियल रेट पर रैपिडली ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इस रैपिड ग्रोथ फेज को लॉग फेज कहते हैं, और जब ये रैपिडली ग्रो करना करते रहते हैं फिर एक स्टेज आती है जब बैक्टीरियल की रिप्रोडक्शन रेट उनकी डेथ रेट के बराबर हो जाता है। यानी एक कॉलोनी के अंदर बैक्टीरिया की जितनी तादाद बन गई है उस तादाद में इजाफा नहीं हो रहा, नए बैक्टीरिया बन रहे हैं मगर उस एक सर्टन तादाद से आगे नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि जितने बन रहे हैं उतने ही मर भी रहे हैं, तो इस फेज को स्टेशनरी फेज कहते हैं। देखो ग्राफ फ्लैट हो गया यहाँ पे, क्यों? क्योंकि जितने बन रहे हैं उतने ही मर भी रहे हैं, रिप्रोडक्शन रेट और डेथ रेट इक्वल हो जाते हैं। उसके बाद फिर एक फेज आता है जब डेथ रेट रिप्रोडक्शन रेट को एक्सीड कर जाता है, यानी डेथ रेट बढ़ जाता है, मर ज्यादा रहे हैं नए बन कम रहे हैं, तो इस फेज को डिक्लाइन या डेथ फेज कहते हैं। तो ये चारों फेजेस आपने याद रखने हैं, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ फेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटे, डिफाइन कंजुगेशन, गिव इट्स इंपॉर्टेंस। आप पहले पिलाए में देख चुके हो कि पिलाए कंजुगेशन में इन्वॉल्व होते हैं, अब हम देखते हैं कि वो कंजुगेशन है क्या। बैक्टीरिया लैक ट्रेडिशनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती,
जैसे यूकेरियोट्स के अंदर होती है, गैमेट्स बनते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, इस तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया के अंदर नहीं होती। तो फिर क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, कैसे, एक प्रोसेस के थ्रू जिसका नाम है कॉन्जुगेशन। तो ये अच्छे तरीके से ध्यान में रख लो, सम बैक्टीरिया ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डोनर बैक्टीरिया टू अ रेसिपिएंट वन ड्यूरिंग अ प्रोसेस कॉल्ड कॉन्जुगेशन। ये देखें, ये एक बैक्टीरिया है और एक ये बैक्टीरिया है, ये इनके पास स्पेसिफिक पिलाए हैं जिन्हें सेक्सुअल पिलाए भी कहते हैं, जिनके जरिए ये एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, मिलेंगे। देखे ना, सम कॉन्जुगेटिंग बैक्टीरिया यूज स्पेशलाइज्ड सेक्स पिलाए टू ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल। ये देखें, इस सेक्सुअल पिलाए के जरिए ये जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर ट्रांसफर कर रहा है। इस ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। क्लियर, कॉन्जुगेशन ये बेसिकली एक मेटिंग प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, या एक बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफर करता है। इसकी अहमियत क्या है, इसके दौरान यानी कॉन्जुगेशन के नतीजे में नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनते हैं, बैक्टीरिया के अंदर वेरिएशन आती है, बैक्टीरिया ज्यादा रेजिस्टेंट हो जाते हैं, वो माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल लेते हैं। तो ये कॉन्जुगेशन की अहमियत है। उसके बाद देखते हैं जी अगला क्वेश्चन, कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया से। डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोबिसिडल एंड माइक्रोबायस्टैटिक केमिकल्स। तीन मरतबा बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं आपके, गुजरांवाला बोर्ड में दो मरतबा आ चुके हैं। तो इन केमिकल्स को अच्छे तरीके से ध्यान में रख लें, आपकी किताब के अंदर येलो बॉक्स में दिया गया है। माइक्रोबिसिडल वो केमिकल्स हैं जिनको अगर बैक्टीरिया पर अप्लाई किया जाए तो ये बैक्टीरिया को फौरी तौर पे खत्म कर देते हैं। माइक्रोबिसिडल केमिकल्स किल द बैक्टीरिया इमीडिएटली। जबकि माइक्रोबायस्टैटिक वो केमिकल्स हैं दैट इनहिबिट द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज ऑफ सेल्स एंड मेंटेन द माइक्रोबियल पॉपुलेशन एट कॉन्स्टेंट साइज। यानी माइक्रोबियल पॉपुलेशन को एक कॉन्स्टेंट साइज में मेंटेन रखने के लिए माइक्रोबायस्टैटिक केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी ये बैक्टीरिया को मारते नहीं, सिर्फ उनकी रिप्रोडक्शन को इनहिबिट करते हैं। यानी जितने बन चुके हैं वो रहें, उनको मारेंगे नहीं, लेकिन मजीद नए बैक्टीरिया नहीं बनने देंगे। ये दोनों में फर्क ज़हन में रख लो। माइक्रोबिसिडल उन्हें जितने भी हैं मुकम्मल तौर पे खत्म कर देंगे, माइक्रोबायस्टैटिक मारेगा नहीं, जो बन चुके हैं वो रहेंगे लेकिन नए नहीं बनने देगा, उनके रिप्रोडक्शन को इनहिबिट करेंगे। क्लियर मेरे बेटे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, डिफाइन स्टेरिलाइजेशन। वो प्रोसेस जिसमें बैक्टीरिया को फिजिकली कंट्रोल किया जाता है, यानी फिजिकल एजेंट्स इस्तेमाल करके बैक्टीरिया को कंट्रोल किया जाए, इस प्रोसेस को स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप टेम्परेचर के जरिए बैक्टीरिया को कंट्रोल कर रहे हैं, मॉइस्ट हीट के जरिए, ड्राई हीट के जरिए, रेडिएशन के जरिए, फिल्ट्रेशन के जरिए, इनमें से कोई भी एजेंट इस्तेमाल करके बैक्टीरियल ग्रोथ को कंट्रोल कर रहे हैं, इस अमल को स्टेरिलाइजेशन कहेंगे। क्लियर मेरे बेटे। तो ये स्टेरिलाइजेशन आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन एंटीसेप्टिक्स एंड एंटीबायोटिक्स। ये केमिकल कंट्रोल्स में आपके डिफरेंट केमिकल्स दिए गए हैं, इनमें डिफरेंस अमूमन आ जाता है। तो पहले देखते हैं जी एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स वो सब्सटेंसेस हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं मगर लिविंग टिश्यूज पर। यानी अगर बैक्टीरिया लिविंग टिश्यूज पर प्रेजेंट है और वहां पर आप उनकी ग्रोथ इनहिबिट करना चाहते हैं तो फिर आप एंटीसेप्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हम सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड का इस्तेमाल करते हैं, लिविंग सरफेस पर बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए। जबकि एंटीबायोटिक्स वो केमिकल्स हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं जो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर दाखिल हो चुके हैं, और एंटीबायोटिक्स बॉडी के इम्यून सिस्टम के साथ मिलकर बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, उन्हें खत्म करते हैं। जैसे हम मेडिसिन खाते हैं, वो मेडिसिन
क्या करते हैं, ये पेंसिलीन वगैरह है, टेट्रासाइक्लिन्स वगैरह है, ये मेडिसिन्स हम बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं और वो हमारे इम्यून सिस्टम के साथ मिलकर बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। तो एंटीसेप्टिक सरफेस पर बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, जबकि एंटीबायोटिक्स बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम के साथ मिलकर बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। क्लियर मेरे बेटे? इसी तरीके से एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में फर्क देखो। जैसे कि हमने एंटीसेप्टिक में देखा कि अगर लिविंग सरफेस पर कोई बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ को खत्म करने के लिए एंटीसेप्टिक इस्तेमाल करते हैं, और अगर बैक्टीरिया नॉन लिविंग सरफेस पर है, नॉन लिविंग मटेरियल पर है, तो वहां पर उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए, उन्हें किल करने के लिए जो केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं उन्हें डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। फिनोल्स, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हैलोजन्स, ये डिसइंफेक्टेंट है। तो ये तीन फर्क आपने ज़हन में रखने हैं, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट और एंटीबायोटिक। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि अगर बैक्टीरिया को लिविंग सरफेस पर इनहिबिट करना है, खत्म करना है, तो फिर एंटीसेप्टिक। अगर नॉन लिविंग सरफेस पर खत्म करना है, उन्हें इनहिबिट करना है, तो फिर डिसइंफेक्टेंट। अगर बॉडी के अंदर इनटेक करना है तो वो केमिकल्स एंटीबायोटिक्स। ये तीनों फर्क अच्छे तरीके से ज़हन में रखिए। क्लियर मेरे बेटे? उसके बाद जी हम देखते हैं व्हाट इज ट्राइकोम साइनोबैक्टीरिया वाले टॉपिक में से। भावलपुर बोर्ड 2014, फैसलाबाद बोर्ड 2015, डीजी खान बोर्ड 2017 में आ चुका है। व्हाट इज ट्राइकोम, गिव इट्स इंपॉर्टेंस। बेटे जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो चेन की फॉर्म में होते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया की चेन को ट्राइकोम बोलते हैं। इट इज अ चेन ऑफ सेल्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ये सिंपली ये जुमला याद कर लो। उसके बाद इस ट्राइकोम के गिर्द एक शीट होती है जिसे म्यूसिलेजिनस शीट बोलते हैं, जो साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनी बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद इस चेन में, यानी इस चेन ऑफ सेल्स में, कुछ जगहों पर कुछ बड़े थिक वॉल्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी इस चेन ऑफ सेल्स में कुछ कुछ जगहों पर कुछ लार्ज राउंडेड लाइट येलोश और थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं। उन सेल्स को हेटरोसिस्ट्स बोलते हैं। उन सेल्स को क्या बोलते हैं? हेटरोसिस्ट। ये अगर आप डायग्राम देखो, ये बेसिकली एक पूरी चेन है जिसे ट्राइकोम कहते हैं। इनमें हेटरोसिस्ट कहां पर है, यह मैं अगली डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हेटरोसिस्ट। ये देखो, आपको पूरी चेन नजर आ रही है, ये ट्राइकोम है। इसके ये सारे वेजिटेटिव सेल्स हैं। इनके अंदर कुछ जगहों पर ये देखो बड़े से लाइट येलोश थिक वॉल्ड सेल्स हैं। इनको क्या बोलते हैं? हेटरोसिस्ट। क्लियर? तो इनका काम क्या है? जब साइनोबैक्टीरिया की फ्रेगमेंटेशन होनी होती है ना, मिसाल के तौर पे ये पूरी चेन है, ये आपको नजर आ रहा है, तो जहां पर हेटरोसिस्ट होगा ना, वहां से ये चेन टूट जाएगी। जब टूटेगी तो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, छोटे छोटे पीसेस बन जाएंगे, टुकड़े बन जाएंगे, और उन टुकड़ों को होमोगोनिया बोलते हैं। क्लियर? तो हेटरोसिस्ट का कहां पर इंपॉर्टेंट रोल है? फ्रेगमेंटेशन में। उसके अलावा हेटरोसिस्ट का एक और इंपॉर्टेंट रोल है, दे आर इन्वॉल्व्ड इन फिक्सेशन ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उसे नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर इसका इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद हार्मोगोनिया और एकनिड्स में क्या फर्क है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि चेन ऑफ साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरियल सेल्स, उसे ट्राइकोम कहते हैं। उस ट्राइकोम के अंदर कुछ जगहों पर हेटरोसिस्ट होते हैं, जहां पर हेटरोसिस्ट होते हैं वहां से वो चेन टूट जाती है, और टूटने के नतीजे में वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स और पीसेस में डिवाइड हो जाती है। उन फ्रेगमेंट्स और पीसेस को हार्मोगोनिया बोलते हैं। क्लियर मेरे बेटे? और एकिनिड्स क्या है, ये देखो, कुछ जगहों पर अनफेवरेबल कंडीशन को पास करने के लिए सेल क्या करते हैं, वो अपने गिर्द एक थिक वाल बना लेते हैं,
जो उनको अनफेवरेबल कंडीशन पास करने में मदद करती है और अपने अंदर काफी सारी फूड को एक्यूमुलेट कर लेते हैं ताकि अनफेवरेबल कंडीशन को पास करने में मदद मिले। तो जब वो अपने अंदर ढेर सारी फूड को एक्यूमुलेट कर लेते हैं और अपने गिर्द एक थिक वाल बना लेते हैं, उस वक्त वो रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं। तो बेसिकली एकनेट्स रेस्टिंग सेल्स हैं और ये अनफेवरेबल कंडीशन को पास करने में मदद करते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन आ जाए तो उस वक्त ये नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स बन जाते हैं इनकी तरह और ग्रो करना शुरू कर देते हैं। क्लियर मेरे बेटे? ये याद रहेंगे, इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है। अगर आपने ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए तो इट मींस कि इस चैप्टर के आपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी कर लिए, इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स भी कर लिए। क्लियर मेरे बेटे? अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियों से नवाजे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।